नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एनवी डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रेमलता आज आपके समक्ष आपके सामने आपके होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइकोलॉजी की कुछ पार्ट कुछ बिंदु लेकर के यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का जो उपज किस चीज से हुई है, साइकोलॉजी के की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ बनी थी, इसके प्रयोगशाला को बनाने वाले प्रायोगिक प्रयोगशाला को बनाने वाले कौन थे, कौन आधुनिक थे और कौन इसके मनोवैज्ञानिक थे जो जिन्होंने साइकोलॉजी की प्रयोगशाला को बनाया और किसने इसको कार्यरत किया यानी कि जीवन में आगे बढ़ाया। इन चीजों के बारे में कुछ बिंदु जो आपकी प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा के अंदर आने वाले होते हैं उनको लेकर के मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले वीडियो आपकी बनाई है साइकोलॉजी की, जो आपके रीड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एंड आपके बीएड में आपकी एसटीसी में आपके और भी जगह जहाँ साइकोलॉजी का प्रयोग होता है, मनोविज्ञान शब्द की चीजें जहाँ आती है वहां सभी उपयोग आने वाली चीजों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब मैं सारी वीडियो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बनाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए बहुत बड़ा वीडियो मेरा नहीं होता है, छोटा वीडियो यहाँ बनाया जाता है। छोटे वीडियो में बहुत सारी चीजों को क्लियर मैंने यहाँ पे किया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा कि मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी शब्द जो है, साइकोलॉजी शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है, साइकी प्लस जो ये शब्द है ये आपका साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान या उसका अध्ययन करना, यानी कि अपनी आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान माना गया है। तो स्टूडेंट्स, आज देखिएगा कि साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी सब जानते हैं कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान को कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो है आपका रुडोल्फ गोएकल। देखिए थोड़ा हार्ड शब्द है लेकिन ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे पहले वही पूछा जाएगा जहाँ का जनक, जो पुस्तक, जो चीजें वो होंगी, इसकी शुरुआत होगी। शुरुआत से ही अपनी जो साइकोलॉजी है उसको हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। शुरुआत है उसके जो आपको बताया कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो है रुडोल्फ गोएकल ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था साइकोलॉजी शब्द का। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक में इसका विवरण मिला है, तो वो पुस्तक का नाम भी हम यहाँ जान लेते हैं। तो वो पुस्तक है हमारी साइकोलॉजिया बुक। देखिए स्टूडेंट, साइकोलॉजिया बुक के अंदर साइकोलॉजी शब्द का हमें अध्ययन मिला है और इसके जो सर्वप्रथम साइकोलॉजी का यूज करने वाले जो हैं वो हैं आपके रुडोल्फ गोएकल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बिंदु पे हम आते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं क्या कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, लेकिन आज आपका कंफ्यूजन मैं यहाँ क्लियर करने वाली हूँ कि ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ये तीनों चीजों का अगर आपसे पूछा जाए तो तीनों चीजों के आंसर वही होंगे जो एक चीज का आंसर होगा। नेक्स्ट बिंदु हम यहाँ आ जाते हैं स्टूडेंट कि साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से यानी फिलोसफी शब्द में, फिलोसफी सब्जेक्ट के अंदर किसी समय में साइकोलॉजी शब्द का यूज किया जाता था। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि साइकोलॉजी एक छोटा सा पार्ट हुआ करता था किसके अंदर, फिलोसफी के अंदर, लेकिन आज ये पूरा अपना सब्जेक्ट लेकर, अपने क्राइटेरिया लेकर के अपने आप में फिक्स हो गया है। तो इसकी जो ये दर्शन शास्त्र है, फिलोसफी है, इसके अंदर 1590 ईस्वी में मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कब था, 16वीं सदी में, और दर्शन शास्त्र में ये जो था वो था आपके 1590 ईस्वी में। देखिए स्टूडेंट्स,
हिंदी के शब्दों में एंड जर्मनी में। इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला इसकी बनाई थी, वो ये जर्मनी में तो बनाई, लेकिन ये इसका जो जर्मनी में कौन सा विश्वविद्यालय था, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मनी में कौन से विश्वविद्यालय में बनाई गई थी, तो एक लिप्जिंग नाम का विश्वविद्यालय जिसके अंदर ये प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में बनाई गई थी। और किसने बनाई थी? विलियम्स बुंट ने। देखिए स्टूडेंट, एक एक शब्द को ध्यान रखना है, क्योंकि हम साइकोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। जब हमारी शुरुआत अच्छी होगी तो एंड तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, इसलिए हमें शुरुआत अच्छी करनी होगी। और कहते हैं ना कि साइकोलॉजी रटने का विषय नहीं है, सोचने का, समझने का, चिंतन करने का विषय है। यदि हम साइकोलॉजी की नींव अच्छी लगाएंगे तो साइकोलॉजी शब्द का बात हो रही है यहाँ पे, मकान की बात नहीं हो रही है। साइकोलॉजी जो हम अपने अंदर साइकोलॉजी की नींव अच्छी बनाएंगे तो साइकोलॉजी का निर्माण भी बहुत अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक एक चीज को आप क्लियर करिएगा। आपकी चीज क्लियर नहीं हुई होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसको विलियम्स बुंट ने सबसे पहले इसको बना तो दिया, लेकिन इसका कार्यवाहक करने वाले यानी द्वितीय प्रयोगशाला जो बनाई थी, ये बनाई थी आपकी विलियम्स जेम्स ने। और कब बनाई? 1890 में। 1890 में कहां बनाई? इंग्लैंड में बनाई। इंग्लैंड में कौन सा विश्वविद्यालय था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। देखिए स्टूडेंट, दो क्वेश्चन ही अगर आपके आते हैं इस इतने से वीडियो में से, दो में से एक क्वेश्चन भी आता है, वो भी साइकोलॉजी का। देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक अध्यापक बनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका सबसे ज्यादा पार्ट साइकोलॉजी का ही आता है। साइकोलॉजी आपकी क्लियर होगी, 100% सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो यहाँ सेकेंड जो थे द्वितीय प्रयोगशाला किसने बनाई थी? फर्स्ट बनाई थी विलियम्स बुंट ने, सेकेंड बनाई विलियम्स जेम्स ने, फर्स्ट बनाई 1879 यानी 79 में, और सेकेंड बनाई 1890 यानी इन दोनों के बीच में 11 साल का, 11 वर्ष का अंतराल है। और ये इंग्लैंड में बनाई सेकेंड वाली, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर इसे बनाया गया था। देखिए स्टूडेंट्स, और अब हम एक प्रश्न हमारे अंदर उठता है कि भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो वो हमारी कहाँ पे स्टूडेंट्स? कलकत्ता के अंदर। भारतीय मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट, हम जो ये हमारा ये जो है विलियम्स जेम्स हैं, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, विलियम्स जेम्स ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम मैं आपको बता देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये विलियम्स किसने लिखी? विलियम्स बुंट ने। इनकी पुस्तक का नाम साइकोलॉजी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, साइकोलॉजी शब्द का यूज कौन सी पुस्तक में था? साइकोलॉजिया। लेकिन विलियम्स बुंट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर साइकोलॉजी शब्द का यूज किया गया था? वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी थी, जिसमें जेम्स ने अपनी प्रयोगशालाओं के बारे में, अपने जो किए हुए जो भी साइकोलॉजी के बारे में जो भी चीजें हैं उनका उसमें वर्णन किया है। तो स्टूडेंट्स, आज की साइकोलॉजी जो हमारा वीडियो है, बस मैं इसको इतना ही बना करके विराम देती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि एक जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपकी मेरी पहली वीडियो इसमें क्लियर हो जाएगी कि वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी थी, उसमें लिखा था कि सबसे पहले इंसान ने आत्मा का त्याग किया, उसके बाद इंसान ने मस्तिष्क का त्याग किया, तीसरा इंसान ने चेतना का त्याग किया, और चौथे में इंसान ने चेतना का त्याग करते हुए अपने व्यवहार में मनोविज्ञान का को उतारा। तो आज 20वीं सदी के अंदर हमारा जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान को 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान माना, 16वीं सदी में इसे क्या माना था? आत्मा का विज्ञान माना था। 17वीं सदी में इसे
ध्यान माना था। और बीच की जो सदी थी, दो सदियां जो थी, उनके अंदर 18वीं और 19वीं सदी में से चेतना का विज्ञान माना था। तो ये सारी चीजें नीचे से ऊपर की तरफ आत्मा, मस्तिष्क, चेतना एंड व्यवहार, 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान इसे माना गया है। इतनी सारी चीजें साइकोलॉजी की यहाँ आपकी क्लियर होती है। इस वीडियो में